हे फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल पूजास क्राफ्ट एंड क्रिएशन। सो आज मैं आपके लिए ब्यूटीफुल सा प्लांटर का होम डेकोर प्लांटर शेयर करने वाली हूँ। जैसा कि आप वीडियो में देख सकते हैं, ये प्लांटर कितना ब्यूटीफुल लग रहा है बनने के बाद। सो ये प्लांटर को बनाने के लिए मैंने ब्रोकन कप का यूज़ किया है, जो कि एक कॉफ़ी मग था और जो टूट चुका था उसको मैंने ये एमसील की हब से जोड़ लिया था। और अब इसका यूज़ मैं प्लांटर बनाने के लिए करने वाली हूँ, जिसके लिए मैंने वॉल पुट्टी का यूज़ किया है। और मैं इसके ऊपर वॉल पुट्टी का पेस्ट लगा रही हूँ। और पहले मैंने फेविकोल लगा लिया था इसके नीचे, दैन मैंने ऊपर से वॉल पुट्टी का पेस्ट लगाया है। तो अब लगाने के बाद हम इसको शेप देंगे। हमारे जो प्लांटर है, इसमें मैंने आउल का आउल का शेप देने के लिए मैंने सबसे पहले वॉल पुट्टी को गोल गोल राउंड में करके देन उसको मैंने थोड़ा सा चपटा कर दिया है। और अब मैं इसको विद द हेल्प ऑफ फेविकोल इस प्लांटर के ऊपर कप के ऊपर लगाने वाली हूँ। थोड़ा सा हम पहले फेविकोल यूज़ कर लेंगे ताकि ये बाद में टूटे ना या ख़राब ना हो, इससे ये ज़्यादा टाइम के लिए बना रहेगा, इसको कोई नुकसान नहीं होगा। अब ये हम इस पर आईब्रो शेप देने जा रहे हैं इसका। सो इस तरीके से हम इसकी आईब्रोज़ बना लेंगे। देन अब बारी है नोज़ की, तो वो भी हमारी रेडी हो गई है। अभी थोड़ा इसमें डिज़ाइनिंग के लिए मैंने एक छोटे से ट्यूब के एक ढक्कन को लिया है, जिसकी हेल्प से मैंने इसमें नीचे बॉटम एरिया में डिज़ाइन की है। और अब इसकी आई में भी हम इस तरीके से डिज़ाइन करेंगे। और उसके बाद हम इसके ऊपर छोटी छोटी आईज भी लगाने वाले हैं इस तरीके से। अभी ये इसको आउल का शेप देने के लिए मैंने फिर से एक लेयर ऊपर लगाई है, और इसी तरीके से हम एक लेयर साइड वाले एरिया में भी लगाएंगे फ्रेंड्स। और हम पानी की हेल्प से इसको सही कर लेंगे लगाने के बाद, ताकि ये बाद में भद्दा या ख़राब ना दिखे। सो फ्रंट का एरिया कवर करने के बाद अब हम बैक साइड का एरिया में अलग डिज़ाइन देने वाले हैं, जिसके लिए मैंने वॉल पुट्टी को फिर से उसके कप के ऊपर लगा लिया है, इसके पेस्ट को। देन अब मैं इसको आइसक्रीम स्टिक की हेल्प से इसको डिज़ाइन दे रही हूँ, जैसा कि आप मेरे वीडियो में देख रहे हैं फ्रेंड्स। सो अभी हमारा कप प्रॉपर रेडी हो चुका है, तो अब बारी है कलरिंग की। आप अपने अकॉर्डिंग कलर चूज़ कर सकते हैं, जो भी कलर्स आपको पसंद हैं। मैंने इसके टॉप एरिया में पिंक कलर शेड का यूज़ किया है। देन इसकी आईब्रोज़ के लिए मैंने येलो कलर का यूज़ किया है। एंड बॉटम एरिया में मैं अभी ब्लू एंड वाइट का कॉम्बिनेशन मैंने यूज़ किया है फ्रेंड्स। मैंने थोड़ा इसका लाइट शेड यूज़ किया है, देन ऊपर से मैंने इसको येलो से भी शेडिंग कर दी है, तो ये बाद में बनने के बाद ये काफ़ी अच्छा लग रहा है। और अभी इसका आई का जो एरिया बचा है उसको हम ब्लैक कलर से कवर कर देंगे,
इस तरीके से पूरा ब्लैक करेंगे इसके आईज को फ्रेंड्स। इसी तरीके से हमने जो सेकंड आई थी वो भी ब्लैक कलर से कलर कर ली है, और इसका टॉप एरिया जो बचा था उस पर मैंने ब्लैक कलर का शेड दे दिया है, ऊपर से थोड़ा ब्लैक कर दिया है उसको। अब इसके बाद मैं इसके बॉटम एरिया में गोल्डन कलर का यूज़ करने वाली हूँ। तो आप विद द हेल्प ऑफ ब्रश मैंने ये कलर किया है, आप चाहें तो हाथों से भी कर सकते हैं फ्रेंड्स। इस तरीके से हमें इसका पूरा एरिया कवर कर लेना है। इसके बाद इसका जो बैक साइड का एरिया था उसमें भी मैंने ब्राउन एंड ब्लैक कलर के शेड से उसको कलर किया है। देन उसके बाद उसके ऊपर मैंने गोल्डन कलर से उसको हाईलाइट किया है, ताकि जब ये बाद में बन के रेडी हो जाएगा तो काफ़ी अच्छा लुक देगा। और ये हमारा प्लांटर रेडी हो चुका है, जिसमें कि मैंने कुछ मनी प्लांट्स की कटिंग इंसर्ट की है। आप चाहे तो किसी और प्लांट्स का यूज़ भी इसमें कर सकते हैं। अगर आपको इंडोर प्लांट्स के लिए इस टाइप के प्लांटर्स अच्छे लगते हैं तो आप इस तरीके के छोटे छोटे प्लांटर्स घर पे इजीली बना सकते हैं विद द हेल्प ऑफ वॉल पुट्टी। और ये इसका बैक साइड का एरिया है, इस पे कि मैंने बटरफ्लाइज अप्लाई कर दी है बाद में, तो ये भी काफ़ी अच्छा लुक दे रहा है बनने के बाद। सो फ्रेंड्स, देखा आपने ब्रोकन कप का आइडिया मेरा कैसा लगा आपको बताइएगा ज़रूर। एंड डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल।